आज की क्लास में गई जो हम कवर करेंगे लाइक फर्स्ट हम कवर करेंगे लाइक लैब सेटअप पोल्टो तो फार्मल का इन ई सॉफ्टवेयर ओके और लाइक फर्स्ट टाइम आप फार्मर को कैसे एक्सेस करते हो देन गए वी विल सी द बेसिक सी एल आई मोड एंड कमांड्स और उसके बाद गई तो फार्मर के ऊपर गए आप एडमिन रोल यानी कि यूज़र नेम पासवर्ड कैसे क्रिएट करते हो और किस यूज़र को आप लाइक रीड ओनली या रीड राइट एक्सेस कन्फिगर करते हो लेट्स स्टार्ट द क्लास गाइस लाइक तो फर्स्ट गई क्या है आपको जो फायर फायरबोल है इसकी क्या अमेज क्या करनी है ऐड करनी है आपके ईप सॉफ्टवेयर पे तो गई लाइक ईप सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर में गई जब हम कोई भी अमेज ऐड करते हैं तो मेक श्योर उसकी जो फॉर्मेट है वो क्या आपका क्यू का होना चाहिए तो इस कोर्स में गई जो हम पोलोटो का वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो हम टेन पॉइंट ओ कर रहे हैं तो इस इसकी अमेज का लिंक गाइज आपको क्या है मैं आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा तो ये अमेज गाइज आपको क्या करना है पहले ऐड करना है ई ईप सॉफ्टवेयर तो कहीं लेकिन ईप सॉफ्टवेयर में गई जब भी आपको कोई भी अमेज ऐड करनी है तो यहाँ पे गाइज मेरे पास क्या है जो मेरा सॉफ्टवेयर है ईप सॉफ्टवेयर तो ये ईप सॉफ्टवेयर क्या क्या है आई पी एड्रेस है तो अगर अगर गाइज इसको ये आपका क्या है लिनिक्स बॉक्स है ओके तो लिनक्स को अगर आपको ग्राफिकली एक्सेस करना है तो आप विनएससी पी के थ्रू क्या है इसको आप एक्सेस कर विन एस सी पी के थ्रू गाइज आपको करना है लाइक जो ई सॉफ्टवेयर का जो आपका आई पी एड्रेस होगा वो आपको मैंशन करना पड़ेगा और बाई डिफॉल्ट गाइज इसका जो सी एल आई पासवर्ड होता है यूज़र नेम क्या होता है रूट और पासवर्ड क्या होता है आपका ई वंस यू एक्सेस गई लेकिन अभी मैंने इसको एक्सेस कर रखा है उसके बाद गईज आपको करना है पोलोल्टो की जो उम्मीद है वो क्या करनी है आपको ऐड करनी है इस सॉफ्टवेयर में ओके ई सॉफ्टवेयर में तो उसके लिए गई आप पहले रूट पे जाओगे उसके बाद लाइक ओ पी टी और देन यूनिट लैब और देन एड ऑनस और देन किम्यू और किम्यू के अंदर कही लाइक ये मैंने पोल ऑल्टो की एक फोल्डर है जो इसके अंदर क्या है इमेज है ये आपको क्या करना है ऐड करना मेक श्योर गई जो फोल्डर का नाम है वो क्या है पोल ऑल्टो होना चाहिए और उसके बाद डैश कुछ भी लिख सकते हो आप ये हमारा क्या है टेन पॉइंट ओ डोट वन तो ये हमारा वर्जन है तो ये वर्जन क्या है आपको क्या करना है ये ऐसे ऐड करना है तो जैसे अगर आपका ये फोल्डर डेस्कटॉप पे पड़ा है तो आप डेस्कटॉप पे जाओगे और सिंपली लाइक ये फोल्डर आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट जैसी है ये ऐसे आपको सिंपली क्या करना है ऐड कर देना ओके तो ये मैंने क्या ऑलरेडी क्या कर रखा है ऐड कर रखा है ये उसके बाद गाइज लाइक वंस यू ऐड द दल्टो मेज ओके और सिंपली कही आप नोट पे जाओगे और ये जो आपका पोल उल्टो है तो यहाँ पे आपको क्या ब्लू दिखने लग जाएगा दैट मीन्स क्या इसकी इमेज क्या ऐड है देन कही इसका कंसोल आप क्या करोगे टेलेट करोगे ओके okay. आप गई लाइक वीएनसी वीएनसी वी एन, वी -एन के थ्रू भी क्या है आप कंसोल ओपन कर सकते हो तो उसके लिए क्या है आपको वी एन सी, वी -वी एन -सी वी एक अलग से सॉफ्टवेयर चाहिए आपके लैपटॉप में बट एज बी नो गाइज लाइक जो टैलेट है इस कंसोल को ओपन करने के लिए लाइक like हमारे पास पुटी या स्क्योर सी होगा तो ओलरेडी क्या है देट मीनस क्या है इस फायर का कंसोल आपका पुटी या स्क्योर सी में क्या होगा ओपन होगा देन गाइज आपको क्या करना है ये फायरवल आपको कनेक्ट करना है ई में क्लाउड के साथ okay. तो जैसे आप नोट पर जाओगे सॉरी तो ये आपका कहते होते गईज नेटवर्क पर जाओगे तो ये जो आपका क्लाउड है मैनेजमेंट जीरो तो ये गई आपका क्या है लाइक जब आप ई सॉफ्टवेयर जो आप यानी कि वी एम वी एम वर्क स्टेशन जब आप इंस्टॉल करते हो अपने लैपटॉप पे तो ये वी एम सेशन मैंने गई क्या कर रखा है ब्रिज कर रखा है तो लेट मी शो यू गई लाइक जब मैंने ये ई सॉफ्टवेयर वी में इंस्टॉल करा था तो लाइक अगर आप इसकी नेटवर्क सेटिंग देखोगे आप ये जो मैंने अडोप्टर की क्या रखी है ब्रिज का रखे ब्रिज का मतलब क्या है लाइक इसको इसी रेंज में आईपी एड्रेस मिल गया मेरे को वाईफाई क्योंकि जो मेरा वाईफाई का सबनेट है वो भी इसी रेंज में है और यहाँ पे गई लेकिन जो ये क्लाउड है अब इस क्लाउड के पास भी क्या, वो ही क्या है बेसिकली वही क्या है ब्रिज हमारा नेटवर्क है ओके तो इस अडोप्टर को गई मैं फायरवॉल के फर्स्ट टाइम गई आपको क्या करना है मैनेजमेंट पोर्ट पे कनेक्ट करना है आपको तो इनिशियली गई लाइक जब हम फायर वाल कन्फिगर करते हैं तो इसको मैनेजमेंट इंटरफेस के थ्रू क्या एक्सेस कर तो ये आपका कहते होते हैं कन्फिगर हो गया और सिंपली गई आप फायर को स्टार्ट करोगे और इस पर डबल क्लिक करोगे तो इसका कंसोल यानी कि सी एल आई क्या हो जाएगा आपका ओपन हो जाएगा तो गई ये फायरवॉल क्या आपका बूट और है और गई लाइक सो इन द रियल वर्ल्ड गई लाइक आप लाइक लग... आप फायर को कैसे एक्सेस करोगे तो फर्स्ट वे क्या है लाइक जो आपका फायरवॉल है इसके ऊपर क्या मैनेजमेंट पोर्ट होगा इस मैनेजमेंट पोर्ट पे आप डायरेक्ट आप लैपटॉप लगा दोगे एक तो ये वे है और बाय डिफॉल्ट गाइज इस मैनेजमेंट का आईपी एड्रेस क्या होता है वन एट्टी टू वन सिक्सटी एट डॉट वन डॉट वन और इस लैपटॉप पे भी क्या आप सेम सेगमेंट पे आईपी दे दोगे वन एटी टू वन वन डॉट लेस दे दिया तो सेम ही सेगमेंट है गाइज और देन बाय डिफॉल्ट जो आपका ये मैनेजमेंट इंटरफेस होता है इस मैनेजमेंट इंटरफेस पे आपका एस एस एच भी ऑन होता है और आपका एस डी पी एस भी ऑन होता है दैट मीन्स क्या आप फार्मर को जब आप ऐसे आप कनेक्ट कर दोगे तो इन दोनों की कनेक्टिविटी हो जाएगी आप फार्मर को एस एस एच भी कर सकते हो और जहाँ जी जो आई यानी कि ब्राउजर के थ्रू भी क्या आप ओपन कर सकते हो और डिफॉल्ट यूजर ने पासवर्ड क्या होता है फायरवॉल का एडमिन एडमिन एक तो सिंपल वे ये है इन केस गाइस लेट्स से आपके पास फायरवॉल का आपने कंसोल लिया तो कंसोल केबल के थ्रू आपने लैपटॉप पे इसको कनेक्ट करा तो कंसोल जैसे आपके पास कंसोल आ गया फायरवल का तो इनिशियली गाइज क्या है आप क्या कर सकते हो जो मैनेजमेंट इंटरफेस है उसका आप आईपी एड्रेस चेंज कर सकते हो और बाय डिफ़ॉल्ट गाइज आईपी एड्रेस क्या होता है ये होता है आपका वन एंड एंड इस इंटरफेस पे बाई गाइज लाइक बाई डिफॉल्ट डी भी क्या होता है ऑन होता है तो इस केस में गए लेकिन जो हमारा केस है तो जो हमारा जो फायर कनेक्टेड है वो मेरे लाइक ये जो मेरा क्लाउड है बेसिकली ये क्लाउड क्या ब्रिज है मेरे वाईफाई अडप्टर के साथ ओके okay, तो ये मेरा वाईफाई निक कार्ड है और वाईफाई जो मेरा निक कार्ड है गाइज ये मेरा कनेक्टेड है वाईफाई मेरे घर पे जो राउटर लगा हुआ है और ये राउटर गाइज एज ए डी का काम कर रहा है दिस मीन्स गए लेकिन जो मैनेजमेंट इंटरफेस है इस पर क्या है डी का ऑप्शन ऑन है तो ब्रिजिंग गई जी ब्रिजिंग हो रखी है तो ये डी एस सी पी रिक्वेस्ट इस डिवाइस के पास जाएगी देन ये क्या करेगा गाइज इसको क्या कर देगा आई पी एड्रेस क्या कर देगा असाइन कर देगा तो इस केस में गए लेकिन मेरे केस में क्या है मैनेजमेंट को फारवर्ड के मैनेजमेंट को अपने आप ही क्या है वन नाइन्टी टू की सीरीज में क्या है आई एड्रेस मिल जाएगा और मेरी मशीन पे भी गया गाइस एटीन डॉट इसी सेम सेगमेंट में है दैट मीन क्या है? मैं बाय डिफॉल्ट जो मेरा मैनेजमेंट इंटरफेस है इस पे मेरा एसएसएच भी ऑन है और मेरा एस टी पी एस सर्विस भी क्या होती है ऑन होती है दूसरे जो आपके इंटरफेस है गाइज जो डाटा इंटरफेस उनपे बाई डिफॉल्ट गई क्या है कोई भी आपकी मैंने आ, कोई भी सर्विस लाइक एस और एस एस एच क्या होते हैं नहीं होते तो निशली ये आपका जो फायरवॉल एक्सेस होगा वो मैनेजमेंट के थ्रू होगा और मैनेजमेंट को आईपी एड्रेस देने के लिए इधर अगर आपका ये मैनेजमेंट पोर्ट डी डी एस सी पी से कनेक्टेड है तो हमारे केस में क्या है ये डीएससी पी सर्वर से कनेक्ट है तो अपने आप इसको आईपी एड्रेस मिल जाएगा हाउ वे अगर जो डिफॉल्ट आईपी एड्रेस ये होता है बट जैसे ही गाइज ये फायरवॉल क्या प्रॉपरली बूट होगा और डी एस सी पी सर्विस क्या ऑन है तो ये डी एस सी पी सर्वर को क्या करेगा रिक्वेस्ट भेजेगा और अपने आप इसको डी एस सी पी क्या करेगा इस रेंज में क्या कर देगा आई पी एड्रेस दे देगा तो इस केस में गाइज अगर आपको मैनुअल आई पे एड्रेस देना है तो लाइक फर्स्ट टाइम गई अगर आपके पास फायर का कंसोल है तो आप लाइक like, इस कमांड से क्या है आप फायरवर्ड के ऊपर क्या है मैन्यूमेड इंटरफेस के ऊपर क्या आप आई पे एड्रेस भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो सो आई विल शो यू गई लाइक लाइक सी एल आई मोड ओके तो ये हमारा क्या है कन्फिगर मोड है तो कैसे गए हम लाइक like, uh, फायरवर्ड के ऊपर क्या है सी के थ्रू क्या करते हैं कन्फिगेशन करते हैं बट नॉर्मली गाइज लाइक जो हमारा पोल टू फायर वोल है मैं मेनली गई इसको जी यू आई कन्फिगर करूंगा जस्ट फॉर द वेरिफिकेशन के लिए गाइजर हम सी एल आई यूज़ करेंगे लेकिन नाइनटी नाइन परसेंट जो हम फायर वो कन्फिगर करेंगे वो हम जी यू आई करेंगे यानी कि ग्राफिकली है लाइक so, like, ये जो फायर वोल आपका ये टाइम लगाएगा एंड यू कैन सी गाइजर इसने अपने आप ही डी एस सी पी के थ्रू आई पी एड्रेस ले लिया एटीन डॉट थर्टी एंड गई लाइक जो अब अगर मैं एंटर करता हूँ और एडमिन और डिफॉल्ट यूज़र ने पासवर्ड क्या आपका एडमिन और आपको इसका पासवर्ड क्या है चेंज करना है तो जो ओल्ड पासवर्ड है वो क्या और न्यू पासवर्ड क्या आपको सेट करना है देन तो ये आपका गई आप फायर वोर्ड पे क्या हो गया आपका लॉग हो गया तो ये गई अभी क्या है? आपका सी एल आई क्या आपका ओपन हो गया और जो इसकी गई सी एल आई मोड है तो इसके दो मोड है दिख रहा है आपको तो ये गई इसका क्या ऑपरेशनल मोड है जस्ट लाइक क्या जूनीपर हो के, तो जिस जूनीपर में क्या होते हैं दो मोड होते हैं ऑपरेशनल और देन कॉन्फ़िगर मोड तो ये जो आपका ऑपरेशनल मोड है इसमें आपकी जो बेसिक वेरिफिकेशन कमांड चलती है लाइक पिंग ट्रेसर आउट जैसे सिस्को सिस्को में हम लाइक जो मेरा यूजर मोड है और मेरा जो प्रिविलेज मोड है जिसके अंदर गई हम क्या करते हैं बेसिक जो मेरी पिंग और शो कमांड चलती है देन गई अगर आप कन्फिगर टाइप करोगे तो आपका ये जो सिंबल है वो क्या आपका हैश में आ जाएगा दैट मीन्स क्या आप कन्फिगर मोड पे चलेगा और इस मोड पे गई हम क्या करते हैं कन्फिगेशन कन्फिगर करते हैं तो इसमें गई लाइक कोई भी कन्फिगेशन करनी है तो मोस्टली वो उसको स्टार्ट होती है सेट सी जैसा लाइक जूनिपर ओके बट एज ए टोल्ड यू गाई लाइक मेनली हम ये फायरवर्ड कन्फिगर करेंगे जी जू आई ओके ग्राफिकली तो इस केस में गाई इफ आई शो यू ये जो मेरे फायरवर्ड को क्या अपने आप आईपी एड्रेस मिल गया और गाइज आपको चेक करना है लाइक मैनेजमेंट इंटरफेस को क्या आईपी एड्रेस है तो शो इंटरफेस मैनेजमेंट तो दिस इज अ वे गाई लाइक यू कैन सी ये इस मैनेजमेंट इंटरफेस को क्या आई पी एड्रेस मिल गया और गाइज अनदर कमांड गाइज लाइक शो सिस्टम इन्फो तो इस कमांड से भी आपको पता चल जाएगा लाइक आई पी एड्रेस मैनेजमेंट इंटरफेस को क्या आई पी एड्रेस मिला है और अभी जो गई आईपी एड्रेस मिला है वो डी के थ्रू एज ए टोल्ड यू मैनेजमेंट इंटरफेस पे क्या आपका एस और एस क्या होता है ऑन होता है तो दिस मीन्स गई लाइक अब मेरी मशीन तो मेरी मशीन का आईपी क्या है एटीन और फाव का आई पी एड्रेस क्या एटीन डॉट थर्टी तो दोनों सेम ही सेगमेंट में है तो इन दोनों की गईस गई क्या है कम्युनिकेशन है तो मैं ब्राउज़र पे मैं टाइप करता हूँ लाइक वन एट्टी टू वन सिक्सटी एट एटीन डॉट थर्टी तो फॉर्मला गाइज क्या है मेरा ओपन हो जाएगा और यूजर नेम गाइज इसका क्या है एडमिन और पासवर्ड जो हमने सेट करा था विच इज और लाइक आपका जब अब इसको आप लॉग कर रहे हो गाइज सो एडमिन ओके okay. तो गई जो मैंने पासवर्ड जो चेंज करा था वो चेंज नहीं हुआ एडमिन ओके तो गई जो हमने पासवर्ड चेंज करा था वो उसने एक्सेप्ट नहीं किया था तो मैं दोबारा लाइक इसका यूजर ने पासवर्ड सेट कर रहा हूँ और ये आपका क्या है फॉरवर्ड पर क्या हो गया आपका लॉग इन होगा दिस इज लाइक जी जू आई ओके तो ये आपका क्या है ग्राफिकल एक्सरसाइज का एंड एज ए टोल्ड यू गई लाइक मोस्टली हम फाउ को क्या है जी जू आई कन्फिगर करेंगे एंड गई लाइक मेनली गई आपके ये टाइप लाइक like, डैशबोर्ड तो so, डैशबोर्ड में गई तो आप सिंपली देख सकते हो देखो इसका मैनेजमेंट का आई पी एड्रेस क्या है और आईपी एड्रेस गाइस अब इसको डीएससीपी के थ्रू मिला और आप कौन सा वर्जन रन कर रहे हो और आपका मॉडल क्या है तो लाइक एज ऑफ नाउ गाइस जो हमारी जो इमेज है वो क्या वर्चुअल इमेज है वीएम ओके एंड गाइस दिस इज सीपीयू लाइक एज आई टोल्ड यू जस्ट डे मैनेजमेंट जो प्लान है इसका सीपीयू डिफरेंट है और डाटा प्लान है इसका सीपीयू का डिफरेंट है और यहाँ पे गई आपको दिखाएगा लाइक किस किस यूज़र ने अभी फायब को एक्सेस कर रखा है तो लाइक मैंने भी वेब के थ्रू भी एक्सेस कर रखा है और सी के थ्रू भी क्या हमारा फायबर क्या ओपन है, है कंसोल के थ्रू और ये गई हमारे क्या डिवाइस के क्या है सिस्ट लोग मैसी है यानी कि जिसको हम सिस्टम लोग बोलते हैं तो ये जो लोग मैसेज है गई लाइक डिवाइस का अगर इंटरफेस अप हो गया या डाउन हो गया तो डिवाइस रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो आपको यहाँ पे शो होंगे उसके बाद गए कॉन्फ़िग लॉग ये आपको बताएगा अगर इन केस किसी यूजर ने चेंज करा कर, 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 कर तो किस लाइक यूजर ने लास्ट टाइम इस फायरबोर्ड के ऊपर क्या करा चेंज करा था देन गई जो सेकेंड टैब है हमारा विच इज ए सी सी दैट कमांड सेंटर तो ये टैब आपका यूज होता मोस्टली मोनिटरिंग या रिपोर्ट पार्ट के लिए ओके okay. तो यहाँ पे गई लाइक आपको लाइक एज ऑफ नाउ गई कोई ट्रैफिक नहीं है तो जो मेरी जो रिपोर्ट पार्ट है तो वो मेरे को क्या है ग्राफिकली में दिखेगा सो दिस विल गई आई विल शो यू इन द रियल फायर ओके देन गई जो नेक्स्ट टैब है मोनीटर टैब इसके अंदर गई लाइक अगर आपको ट्रैफिक लॉग चेक करने हैं ओके okay? और पैकेट कैप्चर डबल शूटिंग के लिए गाइज़ आपका ये टैब मोस्टली यूज़ होगा आपको सिस्टम लोग चेक करने हैं या जितने भी मेरे नेक्स्ट जनरेशन जो फ़ीचर हैं लाइक यू आर फिल्टरिंग थ्रेट वाइल्ड फायर सबमिशन ओके डाटा फिल्टरिंग तो गाइज ये सारे मेरे क्या हैं लेयर सेवन फीचर हैं तो वंस यू इनेबल गाइज एंड अगर आपको मोनीटर करना है यानी कि लॉग चेक करने हैं तो आप इस इस टैब के अंदर को आप यूज़ करोगे देन गई जो नेक्स्ट टैब है मेरा पॉलिसीज इसके अंदर गई मैं पॉलिसीज़ कन्फिगर करूँगा तो लाइक गई अभी जो डिफॉल्ट पॉलिसीज क्या है इस फार्मल के ऊपर तो इंटर जोन जो कि क्या कर रही है एक्शन क्या है इसका डीनाई तो मीनली गई जब मैं फार्म के ऊपर पॉलिसीज़ कन्फिगर करूंगा तो मैं इस स्टैप के अंदर कन्फिगर करूंगा चाहे वो मेरी सिक्योरिटी पॉलिसीज है जिसको हम लाइक जिसको मैं ई बोलते हैं गाइज या जो मेरी नेट पॉलिसीज़ है देन गईज ऑब्जेक्ट के अंदर गईज क्या है आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो ये ऑब्जेक्ट गई आप क्या करते हो कॉल करते हो सिक्योरिटी पॉलिसीज के अंदर ओके अल्टर ओर गाइज आई विल शो यू लाइक ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं फायर के ऊपर और गईज ये सारी मेरी क्या है सिक्योरिटी प्रोफाइल तो ये सारी क्या गई मेरी नेक्स्ट लेयर सेवन फीचर ओके नेक्स्ट जनरेशन फायर ओल फीचर तो ये सारे क्या आप यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएट करते हो वंस यू क्रिएट द प्रोफाइल उसको बाद गई आप क्या करते हो इसको कॉल करते हो सिक्योरिटी पॉलिसीज़ में ओके देन गई नेटवर्क टैप के अंदर गई आप मेनली आप कॉन्फ़िगर करते हो लाइक like, आपके इंटरफेस के आईपी एड्रेस और देन आपका राउटिंग टेबल अगर आपको राउटिंग करनी है फारवर्ड के ऊपर और देन बी पी भी गई क्या है इसी के अंदर आते इसी टैप के अंदर देन जो आपका लास्ट टैब है डिवाइस तो गाइज इसमें मेनली क्या है आप डिवाइस लेटर कॉन्फ़िगरेशन करोगे अगर आपको डिवाइस का होस्ट नेम चेंज करना है आपको इसके ऊपर एस एन एफ करना है आपको इसके ऊपर एन कॉन्फ़िगर करना है ओके और अगर आपको डिवाइस को अपग्रेड करना है और जो जितने भी आपके कहते होते हैं जो आपके जो फीचर हैं तो वो वो भी मेक श्योर sure क्या है वो क्या अपू डेट होने चाहिए तो जितने भी गई लाइक जो डिवाइस रिलेटेड कन्फिगेशन है वो आप क्या इस डिवाइस के टैब के अंदर करते हो सो है लाइक अगर आप आ, आपको जो मेरा मैनेजमेंट इंटरफेस है तो इसके ऊपर गई लाइक ये मैनेजमेंट इंटरफेस के ऊपर क्या है बाय डिफॉल्ट पिंक भी ऑन है और एस और एस भी क्या मेरी ऑन है देन गई इज कमिंग टू द सी एल आई पार्ट ओके तो सी एल आई पार्ट गाइज एज ए टोल्ड यू इसके मेनली दो मोड है तो फर्स्ट गई लाइक अभी मैं किस मोड पर हूँ मैं अभी ऑपरेशनल मोड पर हूँ तो सी एल आई में गाइज लाइक अगर आपको शो लाइक मोस्टली हम गई यहाँ पर शो को माउंड यूज करोगे एंड जस्ट लाइक अस्को गाइज इसमें आप क्वेश्चन मार्क भी यूज कर सकते हो तो गरीज अगर आप क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हो तो ये आपको बताएगा लाइक शो के बाद आप ये ये कमांड यूज कर सकते हो तो लैसे अगर इस अगर मेरे को इसका आर टेबल चेक करना है शो आर देन अगेन यूज द क्वेश्चन मार्क ऑल एंड मेक श्योर गाई लाइक ये भी क्वेश्चन मार्क यूज करते हो जब जैसे आप ए आर पी देन क्वेश्चन मार्क तो ये आपको बता देगा लाइक ए आर पी नेक्स्ट जो कमांड है सिर्फ आर्प है वंस यू कंप्लीट वर्ड देन आपको space दे के आपको क्वेश्चन मार्क यूज करना है तो ये आपको बता देगा like, next आपको देना पड़ेगा like, आप specific interface के लिए देखना चाहते हो या all. Okay? तो इस केस में सी एल आई है इसमें आप क्या क्वेश्चन मार्क भी यूज कर सकते हो then, आप टैब की वर्ड भी यूज कर सकते हो तो जैसे मैं देखो टैब यूज कर रहा हूं तो ये वर्ड अपने आप ही कंप्लीट हो रहा है तो शो आर मैं टैब दबा रहा हूँ अपने आप ही ये वर्ड को कंप्लीट कर रहा है तो जस्ट लाइक लाइको क्वेश्चन मार्क को और टैब दोनों तो काम करते हैं आपकी हेल्प करते हैं एंड देन आप मोड पे आते हो तो गई लाइक यू सी लाइक ये आप यहां पे आप क्या करते हो कन्फ्यूगेशन कन्फिगर करते हो इस मोड में तो इस गेस में गई आप, जा आपको लाइक कन्फिगेशन एड करनी है सेट आप क्वेश्चन मार्क भी यहां पे भी यूज कर सकते हो तो हेयर गई अगर आपको मैनेजमेंट इंटरफेस का लाइक आईपी एड्रेस चेंज करना है दिस इज अ कमांड ओके यहां पे गई अगर आप अगर आप मैनेजमेंट इंटरफेस का आईपी एड्रेस चेंज कर, करना चाहते हो इनिशियली लाइक सेट डिवाइस कॉन्फ़िग सिस्टम एंड उसके बाद गई क्या आपका सो इवन दो गई लाइक मेरे को भी कमांड याद नहीं है बट आई विल यूज द क्वेश्चन मार्क ओके बट द मेन पॉइंट इज गई लाइक वंस यू कन्फिगर द कन्फ्यूगेशन ओके तो वो कन्फ्यूगेशन आपकी एक्टिव नहीं बनेगी अंटिल क्या आप कन्फ्यूगेशन को क्या कमिट नहीं करते थे को में गाइज क्या होता है जैसे ही आप कॉन्फ़िगरेशन कर देते हो लेसे आपने इंटरफेस पे गए आपने शटडाउन डाउन कमांड चलाई और एंटर किया वो कॉन्फ़िगरेशन क्या इमीडिएटली क्या इंपैक्ट पाती है बट हेयर गई जस्ट लाइक अ जुर्मी पर ओके जैसे मैं कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ वो कन्फ्यशन का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा अनटिल गाइज क्या है मैं कन्फ्यूगेशन को क्या है मैं कमिट नहीं कर देता

टू फाइव ओके तो ये गाइस मेरी कमांड क्या है एग्जीक्यूट होगी बट स्टिल गाइस अगर आप चेक करते हो शो इंटरफेस शो इंटरफेस मैनेजमेंट अभी भी इसका आईपी एड्रेस क्या गाइस 18.30 रहेगा बिकॉज जो भी आपने ये कॉन्फ़िगरेशन करी थी ये आपने क्या करी कमिट नहीं करी तो guys, आप कमिट नहीं करते तो ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है एक्टिव यानी कि इसका इंपैक्ट नहीं रहेगा ओके तो गई दिस इज़ एंड आई टोल्ड यू गाइ लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक दॉल कंफिगर दी यू आई नहीं गई ये आपकी क्या like, है लाइक कुछ बेसिक कमांड है सी एल आई तो लेट लाइक जब हम लाइक like, टॉपिक बाय टॉपिक ओके जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आई विल शो यू सम बेसिक कमांड लाइक अगर हम राउटिंग कन करेंगे तो राउटिंग टेबल कैसे चेक करना है बी पी एन कन करेंगे तो सी एल आई जो मेरा फेस वन है फेस टू कैसे चेक करना है बट इफ आई शो यू गई अगर आपको पिंग करना है तो अगर मेरी मशीन को पिंग करना है तो पिंग होस्ट और देन आप भाई लाइक आप क्वेश्चन मार्क भी यूज कर सकते हो लाइक पिंग तो यहाँ पे आप अगर आप देख रहे हो तो दो सिंबल दिख रहे हैं आपको एक प्लस का और एक एस्ट्रिक तो क्या एस्ट्रिक्स दे, दे, क्या है ये अगर आपको पिंग कमांड यूज करनी है तो एस्ट्रिक आपको मतलब कि क्या ये क्या जरूरी कीवर्ड आपको ये लिखना पड़ेगा लाइक होस्ट क्या है ये प्लस का मतलब क्या है ये ऑप्शनल है मे बी आप पिंक करना चाहते हो तो आप मे बी आप जब आप पिंक करना चाहते हो तो आप कोई डिफरेंट सोर्स इंटरफेस देना चाहते हो हाउ वेर गाइज लाइक अगर मैं आप यहां पे पिंग लिखूंगा और मेरे को लाइक जो ये होस्ट की वर्ड मेरे को लगाना पड़ेगा इस कमांड को क्या एग्जीक्यूट करने के लिए तो फैसे होस्ट उसके बाद क्वेश्चन मार्क तो मेरे को कोई वैल्यू देनी है लेस से जो मेरी पी का ही एड्रेस है विच इज एटीन तो ये गई मैं अपनी मशीन को क्या मैं पिंग कर पा रहा हूँ फायर से उसके बाद गई अगर आपको पिंग को ब्रेक करना है तो कंट्रोल सी सेम केस विद द ट्रेस राउट ट्रेस आउट होस्ट तो जिस आईपी को ट्रेस राउट करना है आप यहां पे आईपी एड्रेस मतलब माय पॉइंट इज गई लाइक आप जब भी आप सी एल आई यूज करोगे तो मेक श्योर गाइज यू आर यूजिंग द क्वेश्चन मार्क एंड टैब ओके दिस कमांड गई लाइक आई विल शो यू लेटर ओके लाइक शो सेशन और शो सेशन आई डी वंस वी क्रिएट द सिक्योरिटी पॉलिसी ऑन द फायर वॉल देन गाइज लाइक Uh, अभी जो हम फार्ड को एक्सेस कर रहे हैं तो जो हमारा डिफ़ॉल्ट यूजर नेम है विच इज़ एड बिन तो अगर आपको नए यूज़र नेम पासवर्ड क्रिएट करने हैं तो मे बी लाइक आपकी टीम में कोई नया इंजीनियर आ रहा है तो इनिशियली आप उसको मे बी रीड ओनली एक्सेस देना चाहते हो तो इस केस में गई आप जितने भी कन्फिगेशन है लाइक अगर आपको ये नए यूज़र नेम पासवर्ड क्रिएट करने हैं फायरवॉल के ऊपर ओके okay? तो सिंपली गई ये कन्फिगेशन किसके अंदर होगी डिवाइस टैप के अंदर यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर और यहाँ पे गए लेकिन ऑलरेडी क्या है यूजर क्रिएट है से गई मेरी कंपनी में कोई एक यूजर आया जिसका नाम क्या है ए और पासवर्ड गाइज लाइक यहाँ पे मैं उसको सेट कर रहा हूँ और बाय वाइट फोल्ड लाइक यहाँ पर जो ये रोल कन्फिगर है तो सुपर यूजर का मतलब क्या है उसके पास फुल एक्सेस है फार वोल्ड का हाउ अगैलक जो सुपर यूजर रीड ओनली है दैट मीन्स क्या उसके पास क्या रीड ओनली एक्सेस है और डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर का जो रोल है गाइज इसका मीन्स क्या है उस यूजर के पास क्या फुल एक्सेस है लेकिन वो कोई भी एक नया यूज़र क्रिएट नहीं कर सकता एडमिनिस्ट्रेटर के लिए मिला तो से गई मैं इसको दे रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेटर ओके और देन ओके क्योंकि यहाँ पे हमने क्या कर दिया एक नया यूज़र क्रिएट कर दिया जिसका रोल क्या है डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर दैट मीन्स क्या वो फायर के ऊपर क्या है चेंज कर सकता है लेकिन कोई भी एक नया यूज़र क्रिएट नहीं कर सकता एंड वंस यू डू डू द कन्फिगेशन गाइज आपको क्या करना है कमिट करना है और यहाँ पे गई आप uh, चेंजेस देख भी सकते हो आप कौन सी कन्फ्यगेशन क्या है कमिट कर रहे हो यहाँ पे गई तो आपको दिखा देगा लाइक तो ये आपके फायर में जो हम अभी कन्फ्यशन ऐड कर रहे हैं मतलब कोई भी चेंज कर रहे हैं मे बी आप कन्फ्यूगेशन रिमूव कर रहे हो तो गई लाइक ग्रीन मीन्स के आप कन्फ्यशन ऐड कर रहे हो येलो मीन्स के आप कन्फ्योगेशन मॉडिफाई कर रहे हो और रेड मीन्स के आप कन्फ्यशन क्या कर रहे हो डिलीट कर रहे हो तो इस केस में कही अगर आपको पता लग मैं एक एबीसी यूजर का एक नया यूजर क्रिएट कर रहा हूं और जिसको मैं एक्सेस दे रहा हूं डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर ओके और ये उसका पासवर्ड है यहां पे कहीं आप प्रीव्यू प्रीव्यू कर सकते हो मतलब कौन सी आप चेंजेस कर रहे हो सी एल आई और Then, guys, like, मैं इस कंफ्रगेशन को क्या कर रहा हूँ न्यू यूजर आई डी ए बी सी एंड द पासवर्ड जो हमने सेट करा था so, guys, ये आपकी कंफ्रिगेशन क्या कमिट हो गई आप दैट मीन्स क्या गई थी अगर मैं फाइव को एक्सेस करके दिखाता हूँ आपको एटीन डॉट थर्टी तो इसके इसने जो मेरा डिफॉल्ट जो सेशन ओपन था थी क्या, उसी को ये इसने क्या कर लिया ब्राउज कर लिया बट लेट मी से गाइज़ ये मेरी क्या कन्फिगेशन क्या कमिट हो गया और लेस से गाइज़ मैं क्या कर रहा हूँ मैं लॉग आउट हो रहा हूँ

Okay, so yeah, I haven't saved my username and the password. I will mean, let me. Uh, how do I log out to this session? Okay, so maybe. Dashboard. Okay, let me use my guys other browser. Okay, so 192. 18 dot, thirty. So actually, P S. Yeah, advance proceed. and and abc and the password is true. तो ये आपका गाइस क्या पे क्या हो गया लॉग हो गया जो आपने यूजर नेम नया यूज़र नेम और पासवर्ड क्या क्रिएट किया था तो इस केस में गाइस अगर आप डिवाइस पे जाओगे और एडमिनिस्ट्रेटर पे जाओगे यूसी लाइक गाइस आपके पास बिलो ऐड यूजर ऐड करने की ऑप्शन नहीं आ रही क्योंकि जो आपका रोल है वो क्या है डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर ओके मीन्स के आप फाइव के ऊपर चेंज कर सकते हो बट आप कोई भी एक नया यूजर आई डी क्रिएट नहीं कर सकते देन लाइक इन द नेक्स्ट क्लास वी विल वी टॉक अबाउट लाइक फाइव के इंटरफेस कैसे कन्फिगर करते हैं एंड अदर थिंग ओके सो एनी एनी क्वेश्चन गाइज अप टू दिस पॉइंट